अशरफ, अशरफ ये बताइए, आपने कहा कि हत्या का आपकी हत्या कर दी जाएगी। अशरफ, 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 हत्या करने की बात कर रहे हैं आप? जी जी। तो देखिए ये अशरफ है जिनका काफिला फिर से चले, आइए बैठिए। और काफिला फिर से चल चुका है और फिर से एबीपी गंगा की टीम लगातार आज आपको अशरफ जिसे ले जाया जा रहा है बरेली जेल, उसकी सीधी तस्वीरें एबीपी गंगा पर आपको दिखाई जा रही हैं। एबीपी गंगा से खास बातचीत भी अशरफ ने की है, अशरफ ने की है। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें, फिर एक बार जाम में फंसता हुआ ये काफिला। अशरफ रुका भी था कुछ देर के लिए और हम कोशिश करें जरा सा बातचीत करने का कि चलते हैं और कोशिश करते हैं अशरफ से। देखिए अशरफ जानना चाहेंगे, अशरफ ने अपनी जान माल का खतरा बताया है, आपने हत्या की आशंका जताई। अशरफ ने आपने हत्या की आशंका जताई है, किससे है आपको खतरा? पुलिस प्रशासन और एसटीएफ से। जी पुलिस प्रशासन और एसटीएफ से। देखिए पुलिस प्रशासन पर हत्या की आशंका जताई है अशरफ ने और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोए हैं, क्या रोए कहेंगे? बिल्कुल रोए नहीं है, क्यों रोएंगे? तो ये खबरें क्या झूठी हैं? ये तो आप बता रहे हैं हमको, हमें तो नहीं पता कि हम रोए, रोए। दोनों एक दूसरे से गले मिले थे? बिल्कुल मिले थे, अपने भाई से गले कौन नहीं मिलेगा, 100 बार मिलेगा, जितने बार मिलेंगे उतने बार मिलेंगे। अच्छा क्या सच्चाई है उमेश पाल हत्याकांड में? जी उमेश पाल हत्याकांड में क्या सच्चाई है? मैं बार बार एक ही जवाब दे रहा हूँ, मैं जेल में हूँ, मैं क्या बता पाऊंगा कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, मैं कैसे बता पाऊंगा? षड्यंत्र का आरोप आप तो पर किसने है? किसने हत्या करवाया, किसने? कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों ने जेल में बैठ करके हत्या करवाया। ये गुजरात जेल में है, मैं बरेली जेल में हूँ, मैं मेरे समझ से परे है कि ये कैसे षड्यंत्र हो सकता है, क्या कर सकता हूँ मैं या वो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों ने मिल करके हत्या करवाई, दोनों भाइयों ने मिल करके जेल से। कहा जा रहा है तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, इसको मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? अच्छा आपको तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैं सिर्फ ये मांग कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके द्वारा कि इस मामले की CBI जांच करवा दें, स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करा दें। तो आप यानी कि आप क्योंकि जी आप यानी कि अपने आप को गुनहगार नहीं मानते हैं? मैं हूँ ही नहीं गुनहगार, क्यों? मैं बता रहा हूँ मैं 3 साल से जेल में हूँ और वो भी इलाहाबाद नहीं बरेली जेल में हूँ। तो किसने हत्या करवाई, किसने हत्या करवाई, क्या लगता है आपको? मैं कैसे बता सकता हूँ, बहुत सारे उनके दुश्मन रहे होंगे। अच्छा आप लोगों पर 100 से ज्यादा किसके ऊपर शक है? आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं मैं किसी के ऊपर। आपको क्या फंसाने की कोशिश की गई है? जी ये मैं कह सकता हूँ कि ये कोई भयंकर षड्यंत्र है। मेरी भाभी चुनाव लड़ने वाली थी मेयर का, उनका टिकट हो गया था बहुजन समाज पार्टी से, उनको भी फंसा दिया गया, 2 छोटे बच्चों को गायब कर दिया गया, बाद में वो किसी। अशरफ एक बात बताइए, CCTV फुटेज में जो चेहरे दिख रहे हैं उसमें अतीक का बेटा भी बताया जा रहा है। मैंने कोई CCTV फुटेज नहीं देखा है, मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ, मेरे पास कहाँ है CCTV फुटेज में जो। और मान लीजिए CCTV फुटेज में आ जाता है आपका भतीजा, तो आप मानेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मेरा भतीजा असद का नाम लिया जाता है, उसकी 7 यूनिवर्सिटी से ब्रिटेन से 7 यूनिवर्सिटी से कॉल लेटर आया था, वो जाने वाला था विदेश, उसका पासपोर्ट सिर्फ इसलिए निरस्त कर दिया गया ये कह के कि ये माफिया का बेटा है। जी वो विदेश जाने वाला था पढ़ाई करने। कौन जाने वाला था विदेश, कौन? असद, असद। उसका पासपोर्ट नहीं बनने दिया गया कि वो जाके अपनी पढ़ाई कर सके, वो हत्या करेगा। अच्छा आपको डर लगता है पलटने का वज्रवाहन? नहीं वज्रवाहन नहीं पलटने का, लेकिन आज मुझे धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते में फिर किसी बहाने से निकाल के निपटा दिए जाओगे। किसने धमकी दी, किसने धमकी दी आपको? ये मैं नहीं बता सकता। फिर भी आपको मैं इतने बड़े अधिकारी का नाम नहीं ले सकता। नहीं कौन अधिकारी है आप हमें बताइए। नहीं क्यों बताएं आपको हम, लेकिन बंद लिफाफे में अगर मेरे साथ कुछ होता है तो माननीय मुख्यमंत्री के पास और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास और माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास वो बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। तो किस, लेकिन आपको शक होगा ना, किसी के ऊपर शक होगा? नहीं शक नहीं है, मुझे धमकी दी गई है, मैं शक कहां कर रहा हूं। कब धमकी दी गई, कब? आज दी गई है, आज दी गई कोर्ट में। जी आप लोगों के सामने नहीं दी गई। तो कोर्ट में धमकी दी गई है, कहां जेल में? ये सारे हमारे सुरक्षा कर्मी इस बात के गवाह है, लेकिन इनका भी परिवार है, इनकी नौकरी है, ये कुछ नहीं बोलेंगे आपसे।
तो कहाँ, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जहाँ नैनी जेल में रखा गया तो वहीं धमकी दी गई आपको? तो फिर कोर्ट के परिसर के अंदर? अलग विषय है, इस पर बताइए, खुल के बताइए, खुल के। जब अगर कभी देखिए, हाई कोर्ट ने आदेश किया है मेरे लिए कि कानूनी कार्रवाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जेल से कर लिया जाए, फिर भी मुझे बेवजह निकाला गया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकता था, सांसद जी के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि ये वो वीडियो है, ये वो वीडियो है। आप बताइए, देखिए इसको, अशरफ आप लाइव है, लाइव अभी लाइव है, आप रिपब्लिक टीवी पर लाइव है, आप रिपब्लिक टीवी पर लाइव है, खुल के बोलिए, खुल के बोल तो रहा हूँ, रिपब्लिक टीवी पर आप लाइव है भैया, बोल तो। अच्छा, आपको वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें असद जो है गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिए असद जो है लगातार जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, अपने को निर्दोष बता रहा है, साथ क्या दी गई है, और ये भी कह रहा है कि उसने लाइव फुटेज नहीं देखे हैं। अब देखना होगा, और तो बराबर ही बात कर रहा है कि लाइव फुटेज उसने नहीं देखा, लेकिन जो है असद आज, क्योंकि असद का काफिला इस समय जाम में फंस चुका है, और असद से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की, और जिसमें जो है असद ने अपने और अपने भाई के ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया, साथ ही बताया कि उसकी भाभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, ये साजिश है, और उसने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो नहीं देखे हैं उमेश पाल की हत्याकांड के। तो आपको सीधी तस्वीरें और सीधी बातचीत आपको एबीपी गंगा ने दिखाई, और जो बातचीत कर रहा था लगातार वो अपने आप को निर्दोष बता रहा था, पहली बार शायद असद ने खुलकर इतनी बात मीडिया से की है। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।